बड़ी खबर गोंडा से है। तेजाब कांड में सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। एनकाउंटर में पकड़े गए आरोपी की मां ने अब ये मांग की। आशीष की मां ने सीएम से सीबीआई जांच की मांग की। एनकाउंटर के फर्जी होने का भी आरोप लगाया। एनकाउंटर के विरोध में मार्केट भी बंद कर दी गई। ये देखिए आप, गोंडा एसिड अटैक मामले में सीबीआई जांच की मांग, आरोपी आशीष की मां के द्वारा। पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं। कृष्णा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। कृष्णा, क्या कह रही हैं आरोपी की मां और बाजार में कितनी दुकानें बंद थी? कृष्णा, किस तरीके से घटना के बाद है जो आरोपी जिसके ऊपर आरोप लग रहा है उसकी मां पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही है। उनका कहना है कि मेरे बेटे को पुलिस ने जबरदस्ती उठा लिया, उसके बाद कहीं पर इंकाउंटर करने की बात कर रही है, मेरा बेटा गायब है। तो पुलिस किस तरीके से जो दुकानें हैं पटना बाजार में दुकानें बंद हैं, लोग विरोध कर रहे हैं कि पूरे मामले पर सीबीआई जांच हो और जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाए, जांच की जाए। अगर मेरा भाई भी दोषी हो तो कार्रवाई की जाए। इसी तरीके से बता दूं कि अभी मेरे पास एक एक्सक्लूसिव जानकारी है जिसके अनुसार जो है जो पुलिस ये दावा कर रही है कि जो आरोपी है आशीष कुमार उसके जो इलेक्ट्रॉनिक जो है साक्ष हैं, घटना के बाद भी उसके जो पीड़िता है उससे बात हुई कि जो मैंने घटना कर दिया तो क्या दिया। कहना कहीं जो पुलिस के पास एक्सक्लूसिव जानकारी ये है कि घटना के होने के बाद भी जो बात हुई है तो घटनास्थल को अपने स्वीकार भी रहा है। क्योंकि इस तरीके से विरोध भी हो रहा है और पीड़ित की जो है जो आरोपी की माँ है वो पूरे मामले से जांच की मांग कर रही है। और जहाँ तक जो पीड़िता है उसका गोंडा के बर्न वार्ड में इलाज चल रहा है जी। उसको लखनऊ रेफर करने की तैयारी की जा रही है। जो दो अन्य बहनें हैं उसका गोंडा के कस्बे में इलाज होगा तो उनको लखनऊ के लिए रेफर किया जा रहा है जी। ठीक है कृष्णा, आप हमारे साथ बने रहिए। बड़ा अपडेट गोंडा तेजाब कांड में, बर्न वार्ड में एडमिट मुख्य पीड़िता लखनऊ रेफर की गई है। अन्य दो बहनों का जिला अस्पताल में ही इलाज होगा। कल तीन लड़कियों पर एसिड अटैक किया गया और हमारे सहयोगी कृष्णा बता रहे हैं कि पुलिस के पास कुछ महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं, इस मामले से जुड़े हाथ लगे हैं। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आरोपी आशीष की मां ने सीबीआई जांच की बात कही है और बाजार बंद करने की बात उठ रही है। एनकाउंटर के विरोध में पस्का बाजार बंद और हमारे सहयोगी कृष्णा लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। कृष्णा, आप बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं दर्शकों को। आप कह रहे हैं कि पुलिस के पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, इस घटना के बाद, इस अटैक के बाद आरोपी ने फोन पर बात की है और उसने अपनी गलती मानी है। विस्तार से बताइए क्या जानकारी मिल रही है आपको। जी बिल्कुल, मैं पटना बाजार में हूँ। वहाँ पे जो है पूर्व क्षेत्रीय सपा में मंत्री थे योगेश प्रताप, उनके साथ पीओ और एसएचओ बैठे हुए थे। उनको बात हो रही थी, उनका कहना था कि जो लोग अन्य लोग हिरासत में लिए गए हैं, जिस पुस्तक से उठाया गया है जी, उनको हम लोग छोड़ दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके में जो आशीष की बात की जा रही है उसमें कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पुलिस के पास है तो उन पर तो भी कोई बात नहीं की जाएगी, उसका तो पुलिस कार्रवाई करेगी। क्योंकि जो अन्य लोग हैं जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है, क्या पूछताछ उठाया था, उसको छोड़ने की बात कर रही है जी। शुक्रिया आपका।